अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय जंक्शन और टाउन मंडी में एफसीआई की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीद का काम जोरों पर चल रहा है। लेकिन हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी की बात करें तो यहां एक शेड के नीचे व्यापारी द्वारा खरीदा गया जौ का भंडार पड़ा है, जिसके चलते पूरा शेड अवरुद्ध हो गया है, जिससे किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपना गेहूं बिना शेड के बाहर मिट्टी कचरे के ऊपर डालने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि व्यापारियों द्वारा जौ के भंडार का उठाव नहीं करवाया जा रहा है, जिसके चलते किसान अपने खून पसीने की कमाई को मंडी के अंदर खुले में रखने को मजबूर है। ये अपने व्यापारी के जो है जो 20-25 दिन हो गए हैं, उसने खुद ने खरीद के यहाँ रख रखे हैं और जिमीदार बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्होंने मिट्टी में अपने यहाँ गेहूँ डाल रखा है और ये जो उठाया जाए तो यहाँ गेहूँ जिमीदार गेहूँ डाल दे। ये हो गए कम से कम 20-25 दिन हो गए, और रेशम ने भी और कईयों ने फोन किया, सेक्रेटरी को भी किया, सभी को, और फिर आकड़ते हमारा क्या कर लोगे आप, ये और बोलते हैं। अभी मेरे को मिला था एक आदमी, अभी कैसे करने से क्या हो जाएगा, ये पता नहीं कितने के एक मोतीलाल को तो जानता हूँ, मोतीलाल का ये माल पड़ा है। नुकसान किसानों को हो रहा है कि किसान के जो गेहूं है मिट्टी में डाल रहे हैं, वो ये जगह होती तो जहाँ चला जाता।